हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सिक्स पार्ट पर अपन एंट्री करेंगे और मैं एक एक फार्मूला को लेके आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ। तो आज मैं आपको फार्मूला का कलेक्शन भी देने वाला हूँ, क्योंकि फार्मूला का कलेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फार्मूला आपको लर्न करने के बाद ही आपको आगे के क्वेश्चन करना है। तो आज का मेरा क्लास सिर्फ फार्मूला पर रहेगा। साइन 18 डिग्री कास 18 डिग्री का फार्मूला डिराइव करना भी मैं आपको आज बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम उसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, तो जो फार्मूला है, कुछ फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, ये फार्मूला आपको बता दिया था, बोर्ड में लिखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रॉपर उसका कलेक्शन किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास अवेलेबल भी होगा। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, देखो ये जो फार्मूला है वो मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में चेंज करने का फार्मूला है। साइन और कास जब मल्टीप्लाई फॉर्म में रहते हैं तो दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, आप ट्रिग्नोमेट्री में जितना अच्छा कमांड करेंगे उतना ही अच्छा 12th क्लास में आपका कैलकुलस होगा, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसलिए फ्रॉम वेरी बिगनिंग मैं समय से पहले ही आपको ये बात बता दूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पर ज़बरदस्त कमांड करिए, उसका एक अलग से फार्मूला का नोटबुक बना लीजिए और उस फार्मूला के नोटबुक पर आप उसको एक जगह कलेक्ट करके बार बार उसको एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते रहिए। जब भी आपको लगे कि हम फार्मूला भूल गए, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ ना कि हमारे घर में बाइक कार रखा हुआ है तो हम उसमें जाके पेट्रोल टंकी में फ्यूल्स डलवाते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं, फिर कुछ दिन बाद लगता है कि अब पेट्रोल कम हो गया, रिजर्व लग गया, तो जाके फिर एग्जैक्ट फार्मूला का वही रोल है। फार्मूला हम लर्न करते हैं, फिर धीरे धीरे यूज़ नहीं होने से भूल जाते हैं, तो हमको फार्मूला को अगेन रिवाइज कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर कलेक्शन भी आपको दे रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर से कलेक्ट ना करना पड़े। तो ये फार्मूले हैं। फिर ये जो फार्मूला है सी डी फार्मूला जो मैंने बताया था, ये आप लर्न कर लोगे। इसके बाद आज के टॉपिक पर जो हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन 2A इक्वल टू होता है 2sin A cos A। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस फार्मूला का। इसको और यदि हम डिफरेंट फॉर्म में लिखें तो साइन 2A को यदि हम साइन A लिखें, सपोज साइन A मतलब हमने इसका हाफ एंगल कर दिया तो यहाँ भी हाफ एंगल हो जाता है, तब उसको हम लिख सकते हैं 2sin A बाई 2 इंटू कास A बाई 2। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है ये दोनों, 9 और 10, ये दोनों फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसी तरह से कास 2A इक्वल टू होता है, तीन फार्मूला है इसके, एक कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और इसी से फिर ये कन्वर्ट हो गया है 2 cos square a माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin square a। इसको और हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जैसे यूज़ करते हैं तो यहाँ से हम cos square a का फार्मूला निकालना चाहें तो cos square a इक्वल हम उसको 1 उधर ट्रांसफर करके 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, इस फॉर्म में भी इसको बहुत यूज़ किया जाता है, या इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल 1 प्लस कास ए अपॉइंट 2। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप जितने अलग अलग फॉर्म याद रखेंगे उतना ही आपका वर्क स्पीड बढ़ेगा। उसी तरह से साइन के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कास 2 ए है, तो हो जाता है 1 माइनस कास 2 ए अपॉइंट 2, या इसको हम लिखना चाहें साइन स्क्वायर a बाई 2 तो 1 माइनस कास a अपॉन 2। कितने फार्मूले बनते जाते हैं देखिए, देयर फॉर यहाँ से इन दोनों को मैं यदि डिवाइड कर दूँ, इसमें इसको डिवाइड कर दूँ तो साइन स्क्वायर x बाई 2 कास स्क्वायर a बाई 2 क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर a बाई 2 बन जाएगा, टेन स्क्वायर a बाई 2 बन जाएगा, और टेन स्क्वायर a बाई 2 में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 माइनस कास a अपॉन 1 प्लस कास a हो जाएगा। तो कितने फार्मूले इससे बनते जाते हैं ये आप उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो फार्मूला को आपको याद करना है, साइन स्क्वायर में कास स्क्वायर को डिवाइड किया तो 10 बना, देखो 1 माइनस कास है और अपान में आ जाएगा कास है, 2 कैंसिल आउट हो गए। ये फार्मूले यहाँ पर आपको कलेक्शन और दे रहा हूँ मैं, देखो 10 2a को आप लिखोगे 2 10 है अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर है, साइन 2a यहाँ पर ये 1 मिस प्रिंट है, इसको माइंड नहीं करना ना, वो धोखे से प्रिंट हो गया। साइन 2a इक्वल टू 2 10 है अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर है, कास 2a इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अपान, ये हटा लो इसको, और साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन, ये क्यूब होगा, ये टाइपिंग का मिस्टेक है,
तो साइन क्यूब, ठीक है, ब्लैक में ही बना देता हूं आपको, कंफ्यूजन मत हो ये, चलो ठीक है, साइन क्यूब है ये, ध्यान रखना आप। इस तरह से cos 3 इक्वल टू 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, और tan 3 इक्वल टू tan है माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो आज मैं आप लोग को इसकी जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि आप इसको याद करोगे। फिर कुछ फार्मूले ही हैं जिसको हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, साइन 18 अंश का मान ज्ञात करो, कास 18 अंश का मान ज्ञात करो, 36 अंश का मान ज्ञात करो। ये जनरली टीचर्स इसको क्वेश्चन में पूछते हैं स्कूल में, और ना भी पूछें तो इनको जानना है, और इससे जो रिजल्ट आएगा उसको याद भी करना है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, ये फार्मूला आप लर्न कर लेना फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड साइन 18 डिग्री कास 18 डिग्री साइन 36 डिग्री कास 36 डिग्री एंड सो ऑन। तो इतना सबका आपको डेरिवेशन मैं नहीं बताऊंगा, एक दो को बताऊंगा उसके बाद बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे साइन 18 का बताऊंगा उससे कास 18 कैसे मिलेगा, उसी से फिर साइन 36 मिल जाएगा। तो ये हम चलिए निकालते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इसके बाद आपको इस चैप्टर के पूरे फार्मूले लर्न करना है, फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं आपको उसके एक्सरसाइज कराऊंगा। एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बनाया सिर्फ फार्मूला के लिए। चलिए तो सबसे पहले हम प्रूफ कर लेते हैं साइन 18 डिग्री का वैल्यू। प्रूफ या कैलकुलेशन कहना चाहिए, प्रूफ तो नहीं कर रहे हैं, अपने को पता ही नहीं है, तो प्रूफ तब होता है जब पता होता है, कैलकुलेशन। अब यदि हम इसका कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लिए, लेट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, हमने थीटा इक्वल टू 18 डिग्री सपोज कर लिया, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 36 डिग्री। यदि इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन जाएगा। तो हमने थीटा को 18 डिग्री सपोज किया, और इसके अकॉर्डिंग हमने 2 थीटा 5 थीटा कंसीडर कर लिया। अब देखो, सिंस हमको पता है कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 5 थीटा हम लिख सकते हैं, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 थीटा आएगा, ये हमने लिख लिया। थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझना, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 थीटा प्लस 3 थीटा को 5 थीटा लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज 2 थीटा और 3 थीटा को वैसे ही रहने दो, 2 थीटा प्लस 3 थीटा, और ये 5 थीटा को क्या लिख लो, 90 डिग्री लिख लो। दैट इंप्लाइज 3 थीटा को उधर ट्रांसफर करो तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा, क्लियर। अब यहाँ से दोनों साइड का साइन लेते हैं, साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमको फाइंड करना है, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों साइड का मैं साइन ले लूँ तो देयरफॉर ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। देयरफॉर साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कास थीटा, मतलब कास 3 थीटा। देयरफॉर अब यहाँ पर ध्यान देना, कास 3 थीटा का हमको फार्मूला लिख। हेलो स्टूडेंट्स, अनएकेडमी लेके आया है आपके क्रिएटिविटी को बूस्टअप करने के लिए। कभी कभी हम एकेडमिक से बाहर हमारी जो क्रिएटिविटी होती है उसको हमको बूस्टअप करने की आवश्यकता होती है, और हम लेके आए हैं आपके लिए क्रिएटिव कॉर्नर्स 2021। यहाँ अनएकेडमी के एजुकेटर्स आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। ये हमारे एजुकेटर्स हैं, और ये हमारे फार्म हैं गेम ट्रिक्स। गेम ट्रिक्स आपको सिखाया जाएगा, मैजिक, आपके अंदर कोई मैजिक एक्टिविटी है वो आपको सिखाया जाएगा, डूडलिंग, पोएट्री के लिए, कोडिंग के लिए, एक्सेल के लिए, और रोबोट मेकिंग के लिए, साथ ही ऐप क्रिएशन के लिए। आप इसमें से किसी भी पैटर्न पर आप जाके अपनी क्रिएटिविटी को और बूस्टअप कर सकते हैं, और ये हमारा होने वाला है फ्री सेशन 31 जनवरी को 9 AM। तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, और अपने एकेडमिक नॉलेज से ऊपर आपके अंदर की जो नेचुरल क्रिएटिविटी है उसको इम्प्रूव करिए, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके, थैंक यू। फार्मूला लिखना है, अभी मैंने आपको जो फार्मूला का कलेक्शन दिया, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल कास 3 थीटा,
तो cos 3 थीटा होता है cos क्यूब थीटा माइनस, फार्मूला मुझे अभी ध्यान नहीं है, cos 3 थीटा, 4 cos क्यूब थीटा, आप लोग लर्न कर लेना भाई इसको ना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये 3 रहता है मल्टीप्लिकेशन, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, वो पूरे पोर्शन को लेफ्ट साइड में या लेफ्ट साइड के पोर्शन को राइट साइड में ट्रांसफर करो और cos थीटा को कॉमन करो। दैट इंप्लाइज इसको मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ और cos थीटा कॉमन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, देखो यहाँ cos थीटा कॉमन होगा तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा कॉमन हो गया तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, cos थीटा हमने कॉमन किया है तो हो जाएगा 2 sin थीटा और यहाँ से माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको दो फैक्टर हो गए, इसके दो फैक्टर हो गए तो आप समझ सकते हैं, एक फैक्टर ये cos थीटा और दूसरा फैक्टर ये, दोनों को जीरो होना चाहिए, बट cos थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, cos थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, cos थीटा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसके जीरो, क्योंकि हमने थीटा को 18 डिग्री कंसीडर किया स्टार्टिंग से, तो जब cos थीटा नॉट इक्वल टू जीरो देन द सेकंड पार्ट विल बी जीरो, दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, जीरो हो जाएगा। चलिए देखो, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया, लेकिन यहाँ पर ये sin है ये cos है, तो दोनों को हमको या तो sin में रखना है या तो cos में रखना है, तो नेचुरली हम इसको cos बनाएंगे तो मुश्किल है, रूट में आएगा, इसको sin बनाना आसान है, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए, 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को और प्लस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज आगे सॉल्व करो, इसको सब उधर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ प्लस बनाने के लिए, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 में इधर जाके हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा, 4 माइनस 3 1 होगा और उधर जाके माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। इसके बाद इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 था साइन थीटा माइनस 1, यहाँ पर कुछ साइन का मिस्टेक किया गया, ओह सॉरी, ये जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो 4 और ये इधर जाके माइनस होगा, क्योंकि ऐसे में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल होगा, ये उधर जाके माइनस हुआ है ना, और तो माइनस ऑलरेडी था तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, उस कंडीशन में ये माइनस होगा, सब माइनस, मैंने मिस्टेक कर लिया माइनस का, ये माइनस होगा, माइनस उधर जाके ये कॉमन हुआ माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, अब उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1, इसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 आता है, तब हम इसको क्या करेंगे, फार्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, देयरफॉर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे, क्या एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a, ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूला को जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल माइनस बी, माइनस 2 हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए, ए का वैल्यू क्या है अपने पास 4 और इंटू सी का वैल्यू है यहाँ पर माइनस 1, ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 4, क्लियर, ए का वैल्यू 4 है। देखो आगे इसको सॉल्व करो, माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ
ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फोर फोर जा 16 और ये प्लस 4 कितना 20 अपॉन 8। देयरफॉर बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान समझना। साइन थीटा इक्वल, अब यहाँ देखो यहाँ पर 2 कॉमन करके हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 में 4 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 5। एक बार लिख ही देता हूँ मैं ये, तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 5 अपॉन 8। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल 2 कॉमन होकर कैंसिल होगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन 4। अब यहाँ पर देखो हमने थीटा को क्या सपोज किया, 18 डिग्री, थीटा को हमने 18 डिग्री सपोज किया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा देयरफॉर साइन 18 डिग्री, क्योंकि थीटा को 18 डिग्री सपोज किया है तो साइन 18। इसका पूरा डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये साइन 18 डिग्री इक्वल ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यदि यहाँ पर मैं माइनस साइन को लूँ, ये माइनस साइन को, तो माइनस 1 माइनस रूट ऑफ 5 उसका वैल्यू माइनस 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और हमको पता है कि साइन का वैल्यू बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1 होता है। साइन का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो माइनस 1 है, और साइन का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो प्लस 1 है। माइनस रूट 5 को लेने से उसका वैल्यू माइनस 1 से भी छोटा हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो रेडिंग से जो मैंने घेरा है ये पॉसिबल नहीं है, तो प्लस को लेंगे अपन, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, इसको आपको रट के भी याद रखना है, साइन 18 डिग्री इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 4। क्लियर, माइनस वन प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 4 इस तरह से, या कई राइटर लोग ऐसा भी लिखे रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पहले उसको बाद में कोई ज़रूरत नहीं है। इसको पहले यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो R रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, ये हो गया साइन 18 डिग्री का वैल्यू। अब सपोज आपको चाहिए कॉस 18 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, कॉस 18 डिग्री का वैल्यू, देयरफॉर कॉस 18 डिग्री, सपोज कॉस 18 डिग्री चाहिए तो क्या लिख सकते हैं अपन, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब तो जिसका चाहे उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं फार्मूला के हेल्प से, तो कॉस 18 डिग्री निकालना है तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला से यहाँ पर वैल्यू का पुट अप कर दो, दैट इक्वल ये हो जाएगा 1 माइनस साइन इसका स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये कहाँ से 18 डिग्री होगा। नेक्स्ट पेज में ही चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन, कॉस 18 डिग्री इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, चलो इसको सॉल्व करते हैं, दैट इक्वल रूट ऑफ, अब देखो ये 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसको पहले लिखता हूँ प्लस वन माइनस 2 रूट 5 अपॉन इसका स्क्वायर 16, ये होगा दैट इक्वल, यहाँ से 16 को एलसीएम ले लें और 16 एलसीएम लेने के बाद रूट के बाहर कर दें तो रूट के बाहर कितना हो जाएगा 4, 16 एलसीएम लेके, और ये हो जाएगा 16 माइनस 5 प्लस 1 6, तो माइनस 6 और ये प्लस हो जाएगा प्लस 2 रूट ऑफ 5। इसको आगे हम सॉल्व करें तो 16 माइनस 6 10 हो जाएगा, देयरफॉर कॉस 18 डिग्री इक्वल टू रूट ऑफ 16 माइनस 6 10, 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। देखिए आंसर क्या आता है, कॉस 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री इक्वल टू आता है रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। ओके ठीक, तो ये कॉस 18 डिग्री का वैल्यू हो गया। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, सपोज हमको निकालना है साइन 36 डिग्री, अब निकाल नहीं रहा हूँ मैं, केवल हिंट देकर आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से हमको इसको फाइंड करना है। तो कॉस 36 डिग्री इक्वल टू, तो किसका फार्मूला लगा दें अपन, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस साइन 36 को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 2 इंटू 18 डिग्री, दैट इक्वल ये फार्मूला लगा दें तो 2 साइन, ये थीटा का वैल्यू 18 है तो 2 साइन 18 डिग्री इंटू कॉस
18 डिग्री। अब आपको दोनों का वैल्यू पता है, साइन 18 डिग्री भी हम निकाल चुके हैं और कॉस 18 डिग्री भी निकाल चुके हैं। कॉस 18 ये निकाला है, साइन 18 इसके पहले पेज में निकाला है। ये दोनों का वैल्यू आप पुट अप करोगे और दोनों को पुट अप करके सॉल्व करोगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा।